देख ली भाई, जॉन विक 4 देख ली, और कसम से बता रहा हूँ भाई, इससे बढ़िया एक्शन मूवी मैंने नहीं देखी, देखी नहीं आज तक लिटरली भाई। इतने लंबे एक्शन सीन, ये मूवी नहीं भाई, ये एक्शन सीन है जिसके बीच बीच में थोड़ी सी मूवी है, और वो एक्शन सीन भी भाई इतने तगड़े, मतलब भाई वो कियानू रीव्स 58 इयर्स का है वो, 20 साल की उम्र में मुझे सीढ़ियां चलने में तकलीफ होती है भाई, सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उतर रहा है, गिर रहा है, मर रहा है भाई, उसको भी पता क्या क्या कर रहा है। ट्रैफिक के बीच में फाइट भाई, गाड़ियां टकरा रही बंदों को, और गाड़ियां रुक भी नहीं रहा भाई, कंटिन्यू उनका चालू है, और यहाँ पे जॉन विक अपना बंदे मारे जा रहा है। और मैं पहले क्लियर कर दूं भाई कि मैंने जॉन विक के पहले 3 पार्ट देखे नहीं है, डायरेक्ट मैंने 4th पार्ट देख लिया, हाँ, बट मैंने यूट्यूब पे उसका पिछला जो भी स्टोरी है देख लिया था, उस वजह से मुझे इस पार्ट की स्टोरी समझ में आ रही थी। और आई एम श्योर भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जॉन विक के पहले 3 पार्ट देखे नहीं, और उनको फोमो हो रहा है कि इंटरनेट पे लोग जॉन विक 4 के बारे में बातें करेंगे और मैं उन कन्वर्सेशन में शामिल नहीं हो पाऊंगा जस्ट लाइक मी। तो एक काम करो, यूट्यूब पे जाके पहले 3 पार्ट का रिकैप कर लो, फिर जाके आपको स्टोरी समझ में आएगी। बट भाई मूवी तो मूवी है यार। जॉन विक 4 की स्टोरी बहुत सिंपल है, जॉन विक पे इनाम लगा है भाई, जॉन विक को जो मारेगा उसको इनाम मिलेगा, फिर वो इनाम में पैसा हो सकता है या फिर फ्रीडम भी हो सकती है। तो इसी वजह से जॉन विक के पीछे गुंडे पड़े जॉन विक की जान लेने के लिए, बट उनको क्या पता कि जॉन विक है भाई वो। पिक्चर में जॉन विक 3-4 मंजिला बिल्डिंग जितनी हाइट से गिर जाता है, तब भी वो अपने पैरों पे खड़ा होकर गुंडों को पेलता, और वो सिर्फ एक बार नहीं भाई, पिक्चर में बहुत बार गिरा है। और बस इतना ही नहीं भाई, जॉन विक बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर जाके उसको फिर से ढकेल देते हैं, वो फिर से चढ़ के जाता है, और वो भी नॉर्मली नहीं भाई, गुंडों को पीटते हुए जाता है भाई, ऊपर से पीटते हुए नीचे आता है। सही में बंदा 58 इयर्स का है क्या? जिम चालू कर दो क्या गाइस? धीरे धीरे चुपके से चोरी चोरी। मूवी का डायरेक्टर पहले स्टंटमैन था, अब उसने मूवी डायरेक्ट की, और वो दिखता भी है। एंड एंड में थोड़ा सा फाइट सीन है, आई मीन पूरे मूवी में फाइट सीन है, बट एंड एंड के सीन में 4-5 रूमों में एक्शन हो रहा है, और वो एक्शन हमें ऊपर से ऐसे कैमरा ऊपर से घूम रहा है, और हमें अंदर भाई 1 cut एक्शन दिख रहा है, 9 cuts 1 cut एक्शन भाई। जॉन विक धड़ाधड़ लोगों को मार रहा है, आई डोंट नो भाई उन्होंने कैसे किया, कितने बड़े बड़े सेट बिल्ड किए होंगे भाई। और वो सीन मुझे थोड़ा थोड़ा वीडियो गेम जैसा लगा, जैसे कि बहुत सारे प्ले स्टोर पे भी आपने गेम खेले होंगे स्टेल्थ किलिंग वाले, सेम वही है, बट इसमें स्टेल्थ नहीं है भाई, फुल फाड़म फाड़ है। और बस इतना ही नहीं भाई, मूवी में डेयरडेविल भी है और किंग पिन भी है, आई मीन वो रियल वाले नहीं, इस मूवी में डेयरडेविल का एक सस्ता वर्जन है, सस्ता भी नहीं, चाइनीज, आई मीन एक कैरेक्टर है जो अंधा है, वो अंधा होने के बावजूद बहुत कूटता है गुंडों को, उसके सेंसेस भले ही डेयरडेविल जितने एक्टिव नहीं है, अब भी भाई वो जॉन विक को चड्डी में हांका देता है, अब सोचो उसके पास आंखें होती तो क्या होता। और मूवी की स्पेशलिटी बताओ तो भाई सिनेमैटिक शॉट, क्या गजब सिनेमैटिक शॉट्स है। इमेजिन करो डेजर्ट में घोड़ा दौड़ रहा है, उसके ऊपर इंसान बैठा है, इसमें क्या सुंदरता है। बट पता नहीं भाई वो एक आयत के अंदर आने पे इतना सुंदर कैसे लगता है, कैसे भाई, मतलब कैसे करते हैं मेरे को नहीं पता। मूवी में सनराइज और सनसेट के शॉट्स भी बहुत है, अगेन भाई वो भी बहुत सुंदर। मूवी में सबसे ज्यादा सिनेमैटिक लुक किसने दिया है तो इसके लाइटिंग ने, क्योंकि बहुत सारे कन्वर्सेशन शॉट्स है जिसमें बैकलाइट यूज की गई है, बैकलाइट मतलब सब्जेक्ट के पीछे से जो लाइट आती है कैमरा में, फिर वो सनलाइट हो या फिर कोई सेट में फिक्स की लाइट, बहुत गजब लगता है भाई। लाइटिंग और सिनेमैटिक्स के लिए फुल मार्क। और किसी मूवी में मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा बुलेट प्रूफ सूट देखा है जो कि ब्लेजर की तरह लगता है। और क्या पॉइंट्स है, मूवी का कलर टोन कोई फिक्स नहीं भाई, हर सीन के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है, जो कि अगेन भाई बहुत बढ़िया लुक देता है। और आई डोंट नो भाई मुझे कंपेयर करना चाहिए नहीं, बट मूवी देखते वक्त मुझे थोड़ा थोड़ा KGF का वाइब आ रहा था, ये बहुत वियर्ड है भाई कि मैं जॉन विक को KGF से कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में वो बार बार इसलिए आ रहा था क्योंकि KGF में भी भाई रॉकी भाई अकेला ही सबको पेल देता है, और इस मूवी में भी जॉन विक अकेला सबको पेल देता है। अब चलो मूवी के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करता हूँ, मूवी में ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हैं नहीं, बट हाँ मैं एक बोलूंगा कि भाई मूवी की लेंथ है 2 घंटा 40 मिनट, क्योंकि कुछ लोगों को सही में थोड़ा सा लंबा फील हो सकता है, और एक्शन खत्म होने के बाद बीच बीच में थोड़ा सा बोर तो होता है। कुछ नहीं भाई उतना तो कर लो यार, मैंने ये थोड़ा सा नीटपिकिंग कर रहा हूँ मैं, बट चलेगा। ओके तो चलो भाई अपन एट देन कंक्लूजन पे आते हैं, आपको ये मूवी देखनी चाहिए नहीं, पहले 3 पार्ट देखे हैं तो ये भी देख लो, नहीं देखे हैं और इंटरेस्ट भी नहीं है तो मत देखो, सिंपल। और अगर फोमो हो रहा है तो पहले 3 पार्ट का रिकैप कर लो, फिर जाके पार्ट 4 देखो, फुल पैसा वसूले, आंख बंद करके देख लो। वीडियो पे नए हो लाइक मार दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, पीस।